अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। इट्स नॉट अबाउट ड्रामाज और फिल्म्स और एनीथिंग, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू और भी चीज़ों पर बात करना चाहती हूँ। मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करना चाहती हूँ, कभी कभी पॉलिटिक्स, कभी कभी सोशल इशूज। तो ड्रामे और फिल्में तो चलती रहेंगी, लेकिन हम इसके ऊपर भी मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ी सी बात करें। मैंने रिसेंटली एक बच्ची की तस्वीर देखी और उसका एक नोट पढ़ा। तो अगेन, मैंने बहुत ज़्यादा तस्दीक नहीं की है इस मामले के बारे में, तो मैं कह नहीं सकती कि कितनी उस नोट में और उस पूरे केस में, ज़ाहिर है बहुत ही ट्रैजिक एंड था। वो बच्ची जो है वो इस दुनिया में नहीं है और अपेरेंटली उसने खुदकुशी कर ली थी। तो मैं ये तो नहीं जानती कि वो, ज़ाहिर है वो पूरा अब उसके आफ्टर मैथ में क्या हो रहा है और उस बच्ची की फैमिली क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। और स्कूल का भी सुनते हैं प्रेशर था, फैमिली का प्रेशर था, मैं इतना ज़्यादा नहीं जानती। लेकिन मैं इस बारे में इसलिए बात करना चाह रही थी, या उस हवाले से बात इसलिए करना चाह रही थी, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, और स्कूल्स, जिस तरह का हमारा तालीमी निज़ाम है और जिस तरह के हमारी असातिज़ा अब नहीं रहे उस तरह, और तरबियत में जो हमारे एक फुकदान है, तो मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाह रही थी। ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी, लेकिन हाँ थोड़ी सी बात ज़रूर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम और भी बात करें। क्योंकि जो हम टीवी ड्रामे फिल्में देखते हैं, उनका भी ज़ाहिर है एक बहुत गहरा ताल्लुक है उस माशरे से जिसमें हम रहते हैं। और पिछले कुछ अरसे में मुझे ये भी लगना शुरू हो गया है कि आप और हम इतनी बात करते हैं, कभी कभी बात छोटी होती है, कभी लंबी होती है, तो उसका एक कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी होता है। तो मेंटल हेल्थ के हवाले से मैं अक्सर अपने वीलॉग्स में या अपने जो भी मतलब रिव्यूज़ हैं उसमें मैं बात करती रहती हूँ। और क्योंकि मेरे पास मास्टर्स डिग्री है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, तो ये एक बड़ा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरे दिल से बहुत करीब है। तो जब मैंने वो खबर देखी और जब मैंने इस तरह लोगों को उस पर बात करते देखा, तो जाहिर है लोग भी अपने हिसाब से अपनी ओपिनियन देते हैं, जो उनकी राय होती है। लेकिन आप ये देखिए कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हम मिस करते हैं, स्पेशली बच्चों के हवाले से। जब कोई ऐसी कोई खबर आती है, कोई ऐसी बात होती है, कोई क्राइम हमें सुनने को मिलता है, या कोई ऐसी खौफनाक, दिल को दहलाने वाली कोई ऐसी खबर मिलती है, तो इस हवाले से, इस पर्टिकुलर केस के हवाले से मैं छोटी सी बात जो मेंटल हेल्थ के हवाले से करना चाहती हूँ, वो ये है कि हमारे स्कूल्स में, पाकिस्तान में जो स्कूल्स हैं, या जो पाकिस्तान में जिस तरह हमारे यहाँ ब्रॉट अप्स होते हैं, तो एक बड़ा अच्छा निज़ाम है, फैमिली सिस्टम है, आपा बाजी, यू नो, खाला पुपी चाची सब होते हैं, बच्चों को वो देख रहे होते हैं, जो कि एक बहुत क्रूशल चीज़ है। मतलब इसकी इम्पोर्टेंस तो मैं कहती हूँ कि मैं डिनाई कुछ को जो करने वाले बेवकूफ़ है। और अंग्रेजी की एक कहावत है कि इट टेक्स अ विलेज, मतलब एक बच्चे को बड़ा करने के लिए एक पूरा गांव लगता है, एक पूरी कम्युनिटी लगती है। तो ये जो सेंस ऑफ कम्युनिटी की हम बात करते हैं, या जब हम बात करते हैं कि यार ये जो फैमिली है, फैमिली सिस्टम के थ्रू बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब इसकी इम्पोर्टेंस को आप कभी भी निगेट नहीं कर सकते, ठीक है। ये फैमिली का होना सपोर्ट होता है, स्पेशली जब बच्चा बहुत छोटा होता है। तो चाहे आप जानवरों का कम्युनिटी ले लें, चाहे आप ये मतलब इंसानों के हवाले से देख लें, एक छोटे बच्चे की जो वल्नरेबिलिटी और जो उसका एक कैफियत होती है, जिसमें वो किसी चीज़ के काबिल नहीं होता है, ना खाने के, ना पीने के, ना चलने के, ना उठने के, ना बैठने के, उसमें उसको जो ज़रूरत होती है नशोनुमा की, ज़हनी नशोनुमा की। फिर इसी तरह एक माँ जब वो बच्चा पैदा कर देती है, तो उसकी अपनी हालत क्या होती है। आप आजकल टर्म्स पढ़ रहे हैं जी, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम साइकोसिस, बेबी ब्लूज, जिसे हम कहते हैं कि बच्चा पैदा होने के बाद माँ के जो हार्मोन्स होते हैं, ये जो उसकी बॉडी होती है वो क्रैश कर रही होती है बुरी तरीके से, और भी उसके इतने सारे फिजिकल इम्पैक्ट उसके ऊपर आता है बच्चा पैदा करने का, जिसमें बड़ा टाइम लगता है उसको रिकूपरेट करने में, उसको ठीक होने में। तो ज़ाहिर है इसमें हमारी फैमिली में जो सिस्टम्स हैं, उसमें किस तरह की चीज़ें होती हैं, चिल्ले होते हैं, फिर माएँ मतलब ख्याल रखती हैं बेटियों का, फिर ससुराल में डिफरेंट तरीके से बच्चों मतलब बहुओं को देखा जाता है कि भाई ये काम नहीं करवाओ, वो काम, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं एक मतलब एक हिस्सा होती हैं हमारी, यू नो, एक सिस्टम का, फैमिली सिस्टम का। तो मेरे कहने का मकसद ये था, इस पूरे जो बात करने का मकसद ये था कि एक छोटे से बच्चे को बड़ा करने के लिए जो फैमिली सिस्टम है वो बड़ा एसेंशियल है। तो ये तो बात कही नहीं गई। अब क्या बात हो रही है, अब यह बात हो रही है कि छोटे बच्चों को किस चीज़ में हम फेल कर रहे हैं एज अ सोसाइटी या एज अ सिस्टम।
तो पाकिस्तान में जब मैं इस तरह की चीजें पढ़ती हूँ तो एक जो चीज मुझे बहुत अफसोस आता है, जो चीज देख के, जो कि दुनिया में अब इस चीज को राइज कर दिया गया है, आप बाहर मुल्कों में जाएं, अगर आप बाहर मुल्कों में देखें, सिस्टम्स देखें, सोसाइटी को देखें, तो वहां पे एक चीज बड़ी तेजी से वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुश्किल है, और जाहिर है उसका उस तरह का डिजायर्ड तरीके से तो आप नहीं उस वक्त ले सकते चीजें जैसे आप चाहते हो, लेकिन फिर भी उसका एक फायदा है और वो है मेंटल हेल्थ, यानी ये कि जहनी जो सेहत है आपकी, आपका जहन कितना सेहतमंद है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसमें क्या मसले चल रहे हैं, ये सारी चीजें इस वक्त दुनिया में जो तरक्की याफ्ता ममालिक नहीं है, जो तरक्की कर रहे हैं मुल्क, जो कर चुके हैं, वहां पे स्कूलों में ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। छोटे से बच्चों की स्क्रीनिंग होती है, बच्चा कोई सब्जेक्ट फेल करता है, हमारे यहाँ क्या कहते हैं, ओ बच्चा सब्जेक्ट फेल कर रहा है, ओए क्या हो गया है, ओ ये नहीं वो नहीं, मतलब हम उस बच्चे की जिंदगी अजाब कर देते हैं। लेकिन एक्चुअली में सवाल ये पूछना चाहिए कि बच्चा सब्जेक्ट क्यों फेल कर रहा है, क्या वो उसको सब्जेक्ट नहीं पसंद, इज ही गोइंग थ्रू समथिंग, या शी ट्रबल्ड समहाउ। बुलियंग का एक कॉन्सेप्ट है जो कि पूरी दुनिया में है, इंसानों के अंदर मौजूद है, दूसरे अपने से कमजोर पे हावी होना, तो जो ये बुलियंग है ये होती है स्कूलों में, तो उसके लिए क्या इंटरवेंशन है, मतलब किस तरह इस चीज को रोका जा सकता है। फिर माँ बाप का प्रेशर, बच्चा उस प्रेशर को कैसे ले रहा है। तो साइकोलॉजी के रूह से या माहिर नफ्सियात ये कहते हैं कि भाई बच्चे की इन सब चीजों पे भी आपको तवज्जो देनी है। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ मुझे मालूम नहीं है कि कितने स्कूल्स हैं, कितने परसेंट स्कूल्स हैं, मतलब गवर्नमेंट के स्कूलों में तो तालीम ही नहीं हो रही, तो बाकी की चीजें क्या होंगी। लेकिन मेंटल हेल्थ का ताल्लुक बच्चों की एकेडेमिक परफॉर्मेंस है, या जो वो तालीम हासिल कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा, मतलब जैसे आप कहते हैं कि एक बहुत जरूरी अंसर है मेंटल हेल्थ का, बच्चों की तालीम से, उनकी तरबियत से, उनकी शख्सियत से। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एजुकेटर्स इन द वर्ल्ड, एस्पेशली इन पाकिस्तान, के वो उठें और वो अपने सिस्टम्स के अंदर, अपने माहौल के अंदर, अपना जो भी उनका जैसे भी सेटअप बना रहे हैं उसमें मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखें बच्चों की, क्योंकि टीनेज जो होती है वो एक बड़ी डिफिकल्ट एज होती है, उसमें बच्चे बहुत अजीब अजीब हरकतें भी करते हैं, उसमें बच्चे बहुत तरीकों से रिबेल करते हैं, तो उसमें आपका साइकोलॉजिस्ट आपको हेल्प कर सकता है। अच्छा, अब साइकोलॉजिस्ट क्या है, लोग कहेंगे जी हमारी तो वो आपावाजी मिलके समझा देते हैं बच्चे को, तो बस ठीक है, कोई बात नहीं, क्या जरूरत है साइकोलॉजिस्ट की, और क्या हम साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाएं, पागल हैं, इसके ऊपर तो अलग ही वीडियो बनेगी। खैर, लेकिन क्या होता है कि साइकोलॉजिस्ट के पास टेक्निक्स होती हैं जो कि ओवर मेनी मेनी डेकेड्स, मतलब दिहाइयां लगा के लोगों ने इनको समझा है, पढ़ा है, और अगेन बहुत सारी टेक्निक्स उसमें वही हैं जो हमारे घर में हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट है कि हम पॉजिटिव बातें बताएं अपने बच्चों को, ये सब वही चीजें हैं, कोई अलग चीजें नहीं है, कुछ अलग भी हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि आपको एक एडिशनल सपोर्ट मिलता है, नंबर वन। नंबर टू ये कि एक एक्सपर्ट होता है जो कि इस तरह के बच्चों से डील करता रहता है या इस तरह की सिचुएशन से डील करता रहता है, तो वो अंडरस्टैंड कुछ कर सकता है बातें बेहतर तरीके से। फिर नंबर थ्री ये कि आपकी फैमिली में या आपकी सेटअप में कभी कभी आप अपनी फैमिली से शेयर नहीं करना चाहते, लोग फिर बच्चे दोस्त बनाते हैं ना, तो क्या बेहतर नहीं है कि बच्चे ऐसे बंदे को ट्रस्ट करें जो कि वाकई ट्रस्टवर्दी हो और वो अपने प्रॉब्लम्स बताए। फिर एक और चीज जो ये होती है कि जो मेंटल इलनेस है, यानी डिप्रेशन है या ये सारी इस तरह की जो है ऑटिज्म है, डिप्रेशन है, जो बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं न्यूरोडाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, कुछ कभी कभी आपको सीखना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है, तो बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जो कि आपको एक साइकोलॉजिस्ट बेहतर बता सकता है, साइकोथेरेपिस्ट बेहतर बता सकता है, या साइकाइट्रिस्ट बेहतर बता सकता है, तो इसमें आप बिल्कुल आप उनसे रजू करें, वो आपको बताएंगे। सो कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ का जो स्टिग्मा है वो वहां से शुरू होता है कि हमें पता ही नहीं है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जब किसी चीज की इम्पोर्टेंस पता चल जाती है तो इंसान उसको समझने की भी कोशिश करता है, उसको अपनी जिंदगी पर लागू करने की भी कोशिश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस तरह के वाकयात होते हैं और ब्लेम गेम शुरू हो जाता है कि तुमने ये नहीं किया और तुमने ये नहीं किया। नहीं, ब्लेम गेम का कोई फायदा नहीं है, आपको एक्चुअली में देखना है कि यार ओके हाउ डू वी प्रिवेंट दिस, अगर कोई ट्रेजेडी हो गई है तो किसी और के साथ क्यों ना हो, और अगर हम ट्रेजेडी से बच गए हैं और सिचुएशन खराब हो गई है तो सिचुएशन को बेटर कैसे किया जा सकता है, और वो तभी किया जा सकता है अगर आप इस सिचुएशन में समझें कि इम्पोर्टेंट क्या है और
बच्चों के लिए, चाहे वो कोई भी स्ट्रगल हो, चाहे वो बुलिंग हो, डिप्रेशन हो, कोई और स्ट्रगल भी हो, कभी कभी ठीक है आपको इतने बड़े इश्यूज नहीं होते, लेकिन छोटे मोटे इश्यूज होते हैं यार बच्चों के दिन भर के, उनको कोई चीज अंडरस्टैंड नहीं वो कर पा रहे, हो सकता है उनको करियर में जरूरत हो। आपको पता है करियर मतलब काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट ये भी करते हैं, वो करियर काउंसलिंग होती है कि यार मे बी आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो, आपकी फैमिली से प्रेशर है, लेकिन आप डॉक्टरी में अच्छे नहीं हो यार, हो सकता है यू आर बेटर एट साइकोलॉजी, बिकॉज दैट्स व्हाट हैपेंड टू मी। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे खुद ही समझ आ गई थी और मुझे इस तरह साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं पड़ी ये बात बताने के लिए मुझे, लेकिन जरूरी नहीं है, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत वैसे भी पड़ सकती है इंसान को। एंड आई थिंक थेरेपी इज अ ग्रेट वे फॉर यू टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। तो अपने अलामा उबाल है ना गालिबन, मुझे बताइएगा अगर मैंने गलत शायर कोट किया है, लेकिन अपने मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं न बन सकता न बन, अपना तो बन। तो अपने मन में डूब के सुरागे जिंदगी का मतलब क्या है? हम ये शेर पढ़ा देते हैं मैट्रिक इंटर में बच्चों को, लेकिन हम इनका मतलब भी ऐसे ही रटा देते हैं, लेकिन अखस करना नहीं आता हमें, या मतलब को जज्ब करना नहीं आता। तो बस छोटी सी ये बात थी, खैर इतनी छोटी तो नहीं थी, 11 मिनट हो गए, लेकिन मैं इस पर बहुत देर तक बात कर सकती हूँ। अगर आपके जहन में कोई टॉपिक्स हैं तो आप भी मुझे बताइएगा, लेकिन आई थिंक ये जब मैंने बच्ची का देखा तो मैंने कहा यार इस पर बात करनी चाहिए, और शायद इसी से बात निकल के और बातें भी करनी चाहिए, जहनी नशोनुमा के बारे में, बच्चों के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में, मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ का मतलब क्या है, और मेंटल हेल्थ से फ़र्क क्या पड़ता है, और साइकोलॉजी का मतलब क्या है, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक, एंड आई जस्ट होप दैट जहाँ जहाँ पेरेंट्स हैं, जो अगर किसी तक ये वीडियो पहुँच गई है, तो वो अगर आपके बच्चे किसी भी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी इस तरह की किसी चीज़ से डिफ़िकल्टी से गो थ्रू कर रहे हैं, I really hope you can get access to psychologists. I know थोड़े expensive होते हैं, but बहुत सारे psychologists sliding scale पे काम करते हैं, वो आपके earning के हिसाब से आपको चार्ज करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे ही को 5-10,000 रुपए चार्ज करते हैं, ऐसा नहीं है, वो आपकी earning के एक percentage आपका होता है, but ये I will try to find resources. अगर आप ऐसे कोई है जो interested है तो please मुझे comments में बताएं, and I will try to find resources for you wherever you are. ठीक है, चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।